गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन फोर। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और वापस आ गया हूं आपके पास एक बार फिर से एक और ब्रांड न्यू शो लेके। जी हां, एक अनोखा प्लेटफॉर्म रेडियो उड़ान जो आपको देता है हमेशा जुमेरात को ठीक 10 बजे हम आपके साथ होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और ये प्लेटफॉर्म वो है जो सिर्फ आपके लिए है, आपकी बातों के लिए और आपके इश्यूज के लिए। जी हाँ, इस शो में हम सिर्फ अपने लिसनर्स के लिए अपने लिसनर्स की बातें करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, उनके सोशल लाइफ से जुड़ी हुई या उनकी कोई व्यक्तिगत या बहुत ही पर्सनल बात होती है, जिन चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो अक्सर लोग अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से नहीं कह पाते, हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे डिस्कस करें और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें उसके लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कई सारे लोगों से डिस्कस करते हैं तो समस्याएं हल होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल, ऐसा ही एक शो और लेकर आ गए हम। आज भी आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और अलग अलग राय हो सकती हैं आपकी, वो हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि आप उस पर अपनी क्या राय हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। इस एक घंटे के शो में 10 से 11 बजे के बीच हम आपके साथ दो सेगमेंट में शो करते हैं। पहला सेगमेंट होता है जहाँ पे हम आपको कहानियाँ सुनवाते हैं, यानी कि किस्सा गोई की हम बात कर रहे हैं। किस्सा गोई वो सेगमेंट है हमारा जिसमें आप अक्सर, यानी कि हर वीक नई नई कहानियाँ सुनते हैं, चाहे वो रीजनल कहानियाँ हों, रीजनल स्टोरीज हों, या फिर लोगों की अपनी हो या अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हों, या कुछ ऐसा जो उन्होंने शायद खुद सृजन किया हो, जो खुद क्रिएट किया हो, खुद लिखा हो, इस तरह का कुछ सुनने को आपको और समझने को वहाँ पे मिलता है। आप भी चाहें तो अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं हमारे मीडियम्स के थ्रू, जो हम आपको कुछ देर में बताएंगे। इसके बाद हमारा होता है दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है दिल वाला डिस्कशन। दिल वाले डिस्कशन में हम सिर्फ आपके दिल की बातें करते हैं और वही टॉपिक, वही इश्यूज़, वही मौजू यहाँ पे लाए जाते हैं जो शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनके लिए लिसनर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो, जिसमें लोग बताएं कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी राय क्या है, ज़रूरी ये है कि आप अलग अलग मौजू के बारे में किस तरह से अपनी राय रखते हैं। तो दो सेगमेंट हमारे, टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहले बात कर लें कि आज जो हम लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं शो में, वो किस तरीके से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए बेहतरीन दो तरीके हैं हमारे पास। पहला, हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। जी हाँ, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें अभी अभी और हम इमीडिएटली आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप स्काइप यूज़ ना करें, मुश्किल होती है या भारी लगता है, मन नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मोबाइल कॉल पे आ सकते हैं। जी हाँ, हमारे इस शो के, यानी कि दिल से दिल तक के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें छोटी सी मिस कॉल दे सकते हैं और हम आपको कॉल बैक करेंगे, फिर आपके साथ शो में आज के मौजू के लिए बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ना, तो बिल्कुल दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज और ग्रुप है, पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तब भी आपकी बात हमारे शोज़ में पहुँच सकती हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सअप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सअप के लिए भी यही नंबर जो हमने आपको अभी बताया 9015173846। इसके साथ साथ आप रेडियो उड़ान का जो एक ग्रुप है उड़ान लाइव शोज़, उस पर भी अपने वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com, फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और सभी सुनने वालों तक पहुंचा सकते हैं अपनी दिल की बात। आज का मौजू जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत संजीदा भी है और लोगों से जुड़ा हुआ है। हर इंसान इस बात को महसूस करता है, उस दौर से गुजरता है जिसकी हम बात करना जा रहे हैं। सिर्फ लोगों की राय अलग अलग होती है उसके बारे में, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं। प्रायोरिटी का मैटर है सारा कि आप किसी बात को लेके या किसी चीज़ को लेके किस तरह से अपनी राय रखते हैं। आज हमने सोचा कि चलिए आपसे एक बहुत ज़रूरी मौजू पर बात की जाए। जो टॉपिक हमने चूज़ किया आपके लिए, जो सोचा वो है व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट,
द जर्नी और द डेस्टिनेशन। आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, आपको क्या लगता है बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है? आपकी जर्नी जो आपकी यात्रा है वो बहुत ज़रूरी है, या आपका गंतव्य है या जो डेस्टिनेशन है वो ज़रूरी है? कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जर्नी और डेस्टिनेशन के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। अगर हमसे दूसरी तरह से बताएं आपको तो कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप अगर अपने लाइफ में कोई गोल सेट किया हुआ है तो क्या सिर्फ गोल पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, या गोल पाने के जो मीडियम्स हैं, जो तरीके आप अपनाते हैं उन वो बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या ज़रूरी है, जर्नी या डेस्टिनेशन, वो आपको सोचना है। और ज़रूरी है उसके सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा माहौल दूँ। अच्छे माहौल के लिए फिर से चलिए एक प्यारा सा गाना सुनाऊँगा। आज हम आपके लिए 90s के बहुत प्यारे प्यारे गाने लेकर आए हैं, चूज़ करके लाए हैं, उनको आप सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे, और आपको वो दिन याद आएंगे जब 90s में आप बहुत मेलोडियस सॉन्ग सुना करते थे। तो एक और प्यारा सा गीत, इसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ जहाँ पे आप कहानी सुनेंगे, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट दिलवाला डिस्कशन में। बहरहाल मैं दे रहा हूँ आपको एक म्यूजिकल ब्रेक, इसको सुनें, इन्जॉय करें और सोचें कि आप आज के मौजू पे अपनी कैसी राय रखना चाहते हैं। धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
से दिल को चुराना। जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 4। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आपके साथ फिर से एक प्यारे से गाने के बाद। और अब आ गई है बात पहले सेगमेंट की। जी हाँ, पहला सेगमेंट जिसका आप इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए आप प्रतीक्षा करते हैं, खास इसलिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है, बिल्कुल अलग है। इस तरह की चीज़ें आपको कम मिलती हैं रेडियो पर। जब आजकल लोग गाने सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तो क्या कहानी सुनने के लिए आप रेडियो चलाते हैं, बड़ा मुश्किल है। क्या कोई रेडियो कहानियाँ भी सुनाता है, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। तो बिल्कुल हमारे पास एक सेगमेंट है जहाँ पे हम आपकी कहानियाँ सुनाते हैं। आप भी चाहें तो अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। भेजने के लिए वही हमारे स्काइप आई डी रेडियो RADIO UDN, या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। इसी नंबर को व्हाट्सअप के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारी कोशिश कि हम कहानियों की विरासत को बचाएं, उस खजाने को आपके पास वापस लाएं जो कहीं खोता जा रहा है। आजकल लोग गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे गेम्स बहुत पसंद करते हैं, आउटडोर गेम बंद हो गए हैं, सब मोबाइल कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, और कहानियों की तो बात ही मत पूछिए। कहानियाँ सुनना एक प्राचीन काल का इतिहास लगता है। लोग जब कभी कहते हैं ओहो कहानी सुनते थे, हम तो नहीं सुनते कहानी, तो हमने सोचा चलिए आपको भी कहानियाँ सुनाई जाएं। और देखें आज हमारे साथ कौन है किस्सा गोई में, जो अपनी कहानी हमारे साथ लेकर आए हैं और वो अपनी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, किस्सा गोई। किस्सा गोई सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं हेमा दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी। और किस्सा सुनना तो मेरा शौक़ रहा है, लेकिन किस्सा सुनाया मैंने कभी नहीं। तो सबसे पहले मैं आरजे नरेश को और रेडियो डान की पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का रेडियो डान के श्रोताओं के सामने। आज मैं किस्सा गोई में आप लोगों को दो किस्से सुनाऊंगी। वो सुनने में तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन सुनकर आप ही समझ लेंगे कि वो कितने इंस्पिरेशनल हैं एक ह्यूमन की लाइफ में। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना पहला किस्सा। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा गांव था जिसमें दो दोस्त रहते थे, एक 6 साल का था तो एक 10 साल का। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि वो स्कूल भी साथ जाते, स्कूल से आते भी साथ, खाना खाते थे भी साथ, रहते भी साथ थे, खेलते भी साथ थे, बस रात को सोने के लिए जाते थे अपने अपने घर। अब एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी थी, उन दोनों ने घूमने का फैसला कर लिया। दोनों घूमने के लिए निकल गए। गांव से थोड़ी दूर ही निकले थे कि एक उन लोगों ने कुआं देखा। वो कुएं के आसपास घूमने लगे। जब कुएं के आसपास वो घूमने लगे तो जो 10 साल का लड़का था वो गलती से कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो छोटा लड़का घबरा गया। उसने सोचा कि मैं कैसे निकालूं। वो इधर उधर भागने लगा, ढूंढने लगा किसी को कि कोई मेरे दोस्त की मदद कर दे, कोई मेरे दोस्त को बाहर निकाल दे। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। उसको थोड़ी देर बाद एक
रस्सी दिखी जो एक बाल्टी में बंधी हुई थी। तो फिर क्या था, उसने अपना दिमाग लगाया, कुएं में बाल्टी डाली और अपने दोस्त को जोर से आवाज दी कि भाई तू इसे पकड़ ले, मैं तुझे ऊपर ले आऊंगा। दोस्त ने बाल्टी पकड़ी, एक छोटे से बच्चे ने 10 साल के बच्चे को इतनी मेहनत से निकाला, बहुत उसको पावर लगानी पड़ गई सिर्फ अपने एक दोस्त को निकालने के लिए। अब ये बात तो थोड़ी सी नामुमकिन सी ही है, क्योंकि एक 6 साल का लड़का था, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं वो, 10 साल का लड़का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, 4 साल का गैप था, फिर भी उसने निकाल ही लिया। अब क्या था, निकल तो गए, प्रॉब्लम से बाहर आए तो सोचने लगे कि घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। पहले तो डांट इसलिए पड़ेगी कि हम इतनी दूर निकल क्यों गए, और दूसरी डांट इसलिए भी पड़ेगी तो कुएं में तुम गिर गए, कल को कुछ हो जाता, तुम लोग क्यों जाते हो इतनी दूर। फिर भी घर तो जाना ही था, घर गए। घर में दोनों बच्चों ने अपने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा ने पड़ोसियों को बताया, और ये बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि गांव तो एक छोटा सा ही था। फिर क्या हुआ कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है। पर एक रहीम चाचा थे जिसको पूरा गांव चाचा से के नाम से ही बोलता था, तो रहीम चाचा को विश्वास हो गया कि उस छोटे बच्चे ने निकाल ही लिया होगा अपने दोस्त को। उसके बाद बहुत सारे गांव के लोगों को तो विश्वास हो ही नहीं रहा था, वो यही सोच रहे थे कि कैसे निकाला। वो लोग रहीम, कुछ लोग मिलकर रहीम चाचा के पास गए, रहीम चाचा से पूछा, चाचा आपको कैसे विश्वास हुआ और उस बच्चे ने कैसे निकाला होगा अपने दोस्त को। तो चाचा का जवाब बहुत सिंपल सा था और हंसकर बोले, बच्चे ने बता तो दिया कि उसे वहाँ पे कोई नहीं मिला था, एक बाल्टी और रस्सी मिली थी जिससे उसने अपने दोस्त को निकाल लिया। सारे चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर चाचा बोले कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ऐसी है कि उस लड़के के आसपास कोई दूर दूर तक नहीं था ये कहने वाला कि तुम अपने दोस्त को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाओगे, तुम वीक हो, और दूसरा उसके अंदर खुद भी ये भावना नहीं थी कि मैं वीक हूँ, मैं ऐसा रिस्क ना लूँ। ये दोनों चीज़ें कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ह्यूमन की लाइफ में, क्योंकि ह्यूमन के सामने भी दो दीवारें हैं। एक दीवार कुछ ऐसी है कि लोग कह कह कर उस दीवार को क्रिएट कर देते हैं, और एक दीवार ऐसी है जो हम मन में सोच कर ही उस दीवार को क्रिएट कर देते हैं। लोगों की बनाई गई दीवार को तो ब्रेक करना बहुत आसान है, क्योंकि इग्नोर तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन अपने आप को इग्नोर करना, अपने आप की दीवार को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इस स्टोरी से यही इंस्पिरेशन लीजिए कि आपको अपनी लाइफ की वो दीवार ब्रेक करनी है जो या आप लोगों ने या सारे मेरे फ्रेंड्स ने क्रिएट की है। आप लोगों से मैं बस इतनी उम्मीद करूँगी कि बहुत जल्दी ही आप उस दीवार को ब्रेक कर देंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी। वो कुछ ऐसी है कि एक लड़का था जिसका नाम समीर था। उसके फादर तो एक्सपायर कर गए थे जब वो छोटा सा था। उसकी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। तो वो दूसरों के घर में जाके बर्तन धोती थी और पैसा कमाती थी, समीर को पढ़ाती थी। एक दिन समीर स्कूल से आया, उसने अपनी मम्मी के हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा, मम्मी ये हेडमास्टर ने दिया है, देख लीजिए आप इसमें क्या है। उसकी मम्मी ने एनवलप खोला, एक चिट्ठी थी। चिट्ठी
जो हेडमास्टर ने लिखी थी। उन्होंने उसको पढ़कर समीर को कहा, समीर आपके टीचर ने ये कहा है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत होनहार हो, आप इस स्कूल के लायक नहीं हो, आपको तो मुझे किसी और बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वो दूसरे स्कूल में जाने लगा और उसने बहुत मेहनत करी। समीर ने एक दिन यूपीएससी की परीक्षा दी और उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई। वो बहुत रोया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन उसने अपनी मम्मी की अलमारी खोली और कुछ सामान ढूंढने लगा। उसको फिर से वो एनवलप मिल गया जो कभी स्कूल में उसके हेडमास्टर ने दिया था 18 साल पहले। क्या हुआ? उसने उस एनवलप को खोला, फिर पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ता, आपका बेटा बहुत शरारती है, आपके बेटे ने कभी खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं किया, हम उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा लीजिए। वो ये चिट्ठी पढ़कर इतना रोया, बहुत रोया, और उसे अपनी माँ की इम्पोर्टेंस का पता चला। थैंक यू सो मच रेडियो डान। जी हाँ, तो ये था किस्सा गोई जिसमें हेमा प्रजापति आज हमारे साथ अपनी कहानी शेयर कर रही थी। दो कहानियाँ उन्होंने सुनाई, बेहतरीन दो कहानियाँ। एक कहानी जो समय की इम्पोर्टेंस के लिए, समय की जो ज़रूरत है, या समय की जो कहते हैं ना कि समय कभी लौट कर नहीं आता, उसकी जो ज़रूरत है उसको समझना कितना कीमती है समय, उसके लिए इम्पोर्टेंस के लिए। और दूसरी रिश्तों की, या माँ की कह लीजिए, या सिर्फ इधर इतना समझें कि रिश्तों की जो अहमियत है उसको बताने की कोशिश की, खासकर अपने पेरेंट के साथ जो आपका रिश्ता होता है उसको बताने की कोशिश की उन्होंने। तो बहुत ही बेहतरीन दो कहानियाँ, शुक्रिया आपकी दो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी पसंद आई होंगी। और अगर लिसनर्स आपको भी ये कहानियाँ पसंद आई तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करें, वॉइस नोट करें, या सीधा कॉल करके भी आप बता सकते हैं कि आपको इनकी कहानियाँ कैसी लगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है इसी तरह से आप हमारे शो में और भी कहानियाँ भेजेंगी और इसी तरह से पार्टिसिपेट करती रहेंगी। अब वक्त आ गया हमारे दूसरे सेगमेंट का जिसका नाम है दिल वाला डिस्कशन। दिल वाला डिस्कशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दो माध्यम हमारे पास हैं, दो मीडियम्स अवेलेबल हैं। पहला है हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटी सी मिस कॉल दें, हम आपको कॉल बैक करेंगे और फिर आपके साथ बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप आज के मौजू के लिए। आज हमने जो मौजू चूज़ किया है आपके लिए, जो टॉपिक हम लाए हैं डिस्कस करने के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर इंसान की ज़िंदगी में वो होता है, या यूँ कहें हर इंसान उस दौर से गुजरता है ज़िंदगी में कभी ना कभी, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में गोल ज़रूर होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, किसी भी मोड़ पे हो सकते हैं वो लाइफ के। सो व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, द जर्नी और द डेस्टिनेशन? आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी है दो चीज़ों में से, आपकी यात्रा, आपके जर्नी, या आपका डेस्टिनेशन, आपका गंतव्य स्थान, या आपका गोल? अगर आप इसको यूँ भी समझना चाहें कि आपका जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वो बहुत ज़रूरी है, या लक्ष्य को पाने के जो तरीके हैं, जो माध्यम है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप तय कर सकते हैं। अलग अलग राय हैं लोगों की, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं इस बारे में कि क्या बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह की राय इस तरह से है कि बहुत से लोग सिर्फ इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आउटकम ज़रूरी है, आपका आउटकम जो रिज़ल्ट है वो आपका गोल है, वो आपकी डेस्टिनेशन है, और वो दिमाग उस पे बहुत प्रेशर देता है कि आप गोल अचीव करें, किस तरीके से करेंगे, इसमें कई बार उलझन हो सकती है आपको। लेकिन ज़रूरी यही कि आप कोशिश करें कि आप अपना गोल अचीव करें किस तरह से। मेरी कुछ लोगों से
बात हुई, जिन लोगों ने अपने व्यूज़ हमें शेयर किए हमारे साथ ऑफलाइन, वो कहते हैं कि अगर सर्विसेज की बात करें, जो प्राइवेट सर्विस या कस्टमर सर्विसेज जो हैं, वहाँ पे कस्टमर कभी आपसे ये नहीं पूछता कि आपके तरीके क्या हैं या आप कैसे करते हैं, आपसे वो सिर्फ गोल की बात करते हैं कि जो उनको चाहिए वो आउटकम उनके पास कितने टाइम में पहुँच जाएगा। तो ऐसे में गोल अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग जो अदर सर्विसेज में हैं, जो रूल रेगुलेशन में हैं और जो लोग उसको फॉलो करते हैं, और कुछ इस तरह के सर्विसेज में हैं जहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ पे कई बार प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है। जो प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, जो प्रोसेस हम बात जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली वही आपकी जर्नी है। क्या जर्नी अगर ठीक होगी तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, आपका डेस्टिनेशन भी अच्छा होगा। अगर आपके तरीके अच्छे होंगे तो जो आप उससे पाएंगे, जो आपको आउटकम मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है, आपका डेस्टिनेशन या आपकी जर्नी, दोनों में से कोई एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, और उसको सोचें। और जैसे ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, कुछ आता है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए कुछ जो हमने आपको बताया, हमें कॉल करें हमारे नंबर 9015173846, या फिर आप हमें स्काइप पर कॉल कर सकते हैं, रेडियो उड़ान RADIO UDAA N। मैं आपको दे रहा हूँ एक बहुत प्यारा सा गाना, इस गाने को सुने, इंजॉय करें। हम आएंगे इस गाने के बाद आपके पास और फिर कुछ बात करेंगे आपके साथ इस टॉपिक को लेके, और देखते हैं हमारे कुछ और लिसनर्स हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। खुशबू लेके आई है पवन,
जैसे छूके आई हो तेरा बदन। आज सारा जग महक जाने को है, दिखलाने को है, दिल ये कहता है कि तू आने को है, प्यार मेरा जिंदगी पाने को है। सलीना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है, कई बार वो पहुंच जाता है और कई बार नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना सफर बीच में ही अधूरा छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि जिंदगी हमें कुछ और नए एक्सपीरियंस देना चाहती हो। एन एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट। तो हमें अपनी जिंदगी जीते रहना चाहिए, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं। इसी पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गीत याद आ रहा है, मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जी हाँ, ये है आरती वर्मा दिल्ली से हमारे साथ, जिन्होंने अपने व्यूज शेयर किए और एक प्यारा सा गाना भी सुनाया, रिलेवेंट गाना जो वो शेयर करना चाहते थे आपके साथ। और हकीकत में बहुत से लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट है वो ये सोचना कि क्या जर्नी ज़रूरी है या फिर आपका डेस्टिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के लिए इस बात के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग लोग तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग इसे सोच सकते हैं, सबकी राय बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। इनको लगता है कि जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक ये बात सच हो सकती है, क्योंकि जर्नी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गोल जो है वो एक कहते ना कि डेस्टिनेशन, सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है जो आप लगातार लेके चलते हैं। अगर कहीं रुक जाएंगे तो आप आगे सक्सेस नहीं होंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको चलता रहना पड़ेगा और वो जर्नी आपकी रहेगी। तो ज़रूरी है कि इसलिए आप जर्नी में रहें, और जर्नी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आपके जो तरीके हैं गोल पाने के, जो रास्ते हैं, अगर वो अच्छे हो जाएँ तो आउटकम ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आपके तरीके गलत हो जाएं तो सब कुछ नुकसानदेह होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ करें और कुछ शेयर करें तो उसके लिए आपके पास तरीके या मीडियम्स जो हैं या मीन जो हैं वो अच्छे ही होने चाहिए।
इसलिए अब ये ज़रूरी है कि आप अपनी राय रखें, हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि किस तरह की राय है आपकी। कई बार जो मुझे छोटा सा याद आ रहा है कि कहते हैं कि अगर आपके जो मीन्स हैं वो ठीक नहीं हैं तो जो आपको आउटकम मिलता है वो नुकसानदेह होता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और शायद ये अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो कई बार आप क्राइम के थ्रू देख सकते हैं, लोग शॉर्टकट के थ्रू क्राइम का रास्ता अपनाते हैं जल्दी से अमीर होने के लिए, जल्दी से सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन शायद जहां वो पहुंचते हैं वो उनका डेस्टिनेशन नहीं होता, वो गलत जगह पर ही पहुंच पाते हैं। इसलिए डेस्टिनेशन ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आपकी जर्नी अच्छी होनी चाहिए। बहरहाल मैं आपको सुना रहा हूँ एक और प्यारा सा गाना, इस गाने को सुने, इन्जॉय करें और बताएं हमारे साथ कि आप और क्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त और मेरे पास अभी आपके लिए बचा हुआ है जहाँ पे हम आपकी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा एक और प्यारा सा गाना, मैं आऊँगा इस गाने के बाद आपके पास वापस। मेरी हर खुशी है।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन फोर। मैं हूँ आर्जे नरेश कुमार, वापस आ गए एक प्यारे से गाने के बाद। आज हमने आपको सुनवाए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे 90s के गाने, जो शायद आप सबके फेवरेट होंगे, मेरे तो कम से कम फेवरेट हैं। और आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं दिल वाला डिस्कशन में, और मौजू है आज का, क्या ज़रूरी है जर्नी या फिर डेस्टिनेशन, गोल या उसके मीन्स, क्या ज़रूरी है आपके लिए, क्या बहुत मायने रखता है आपके लिए, क्या ज़्यादा मायने हैं जिस किसके। क्योंकि अगर जैसा कि हमारे एक लिसनर ने यह भी बताया कि उनके हिसाब से जो रास्ते हैं, जो जर्नी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है लाइफ में। एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है। हेलन केलर ने भी कहा कि एक जगह पे लिखा उन्होंने कि लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं वो एक प्रोसेस की तरह या एक एक्सपीरियंस उसी से हमें मिलता है, उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वही हमारे पास रियल नॉलेज होता है, वही हमारे पास कहते हैं ना सच्चा ज्ञान होता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना वो एक मोमेंट का एक कह सकते हैं कि एक जो आपने कई सालों की एक मेहनत की, कई साल लगाए अपनी एक जर्नी में, उसके बाद एक मुकाम पे आप पहुंचे, तो जो वो सालों की मेहनत है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। उसने बहुत कुछ आपको सिखाया होगा, समझाया होगा, दिखाया होगा, और बहुत कुछ आपने वहाँ से सीखा होगा। तो ये भी पता चल जाता है आपको उससे कि क्या करने से ठीक रिज़ल्ट मिलता है और क्या ठीक करने से ठीक रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो काफ़ी सारी बातें हैं इसके लिए कि आप जिस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले ये बोल रहे हैं कि हमारे व्यूज़ अलग हो सकते हैं और लोगों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं, इस पर कोई यूनिवर्सल थॉट नहीं है, कोई यूनिवर्सल रियलिटी नहीं है कि ऐसा ही होता है। सबकी प्रायोरिटीज़, सबकी सोच डिफरेंट होती हैं, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं। बातें रखने का और उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाने का या उनको क्रियान्वित करने का सबका तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो क्या जो हम सोचते हैं वो दूसरों से मिलता हो, बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हकीकत में आप अच्छी चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा बेहतर मिलता है। तरीका गलत होगा तो रिज़ल्ट कभी भी आपका या परिणाम आपका बेहतर हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि आप अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको कभी फ़ायदा नहीं मिलता। और सिर्फ मेरे साथ जो लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सिर्फ वो लोग जो कस्टमर सर्विस में है, शायद हो सकता है कुछ और भी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बात हुई कस्टमर सर्विस में, लोग कहते हैं कि हमें हर हालत में रिज़ल्ट देना पड़ता है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। तो ये भी एक हकीकत है आज की भागते दौड़ते ज़िंदगी की कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ आउटकम देना है। आप वेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, नहीं हैं, इससे फ़र्क शायद नहीं पड़ता। तो सोचना आपको कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हैं। दिमाग अक्सर डेस्टिनेशन की तरफ इशारा करता है, जबकि दिल शायद आपका कहता है कि जर्नी पे ठीक से चलें, उसको ठीक से इस्तेमाल करें। और कहते हैं, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि आप अपने काम को इन्जॉय करें, अपनी जर्नी को इन्जॉय करें, जो भी आप कर रहे हैं उसमें सीखना शुरू रखें, हमेशा सीखते रहें, गलत करें तो उसको सुधारें, और उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंस बनेंगे वो आपका ट्रीज़र होगा, वो आपका ख़जाना होगा, और उससे जहाँ पर आप पहुँचेंगे वो आपका बेहतरीन डेस्टिनेशन होगा, जो आपको एक मुकाम पर पहुँचा देगा। तो बिल्कुल, ये एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से कि हम एक मौजू पे, जिस पे शायद हम थोड़ी सी बात कर पाए आज आपके साथ, बेहतर होता कि हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ते, बात कर पाते और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर पाते। बहरहाल, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है, लोग आउटिंग पे हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी हम अकेले भी होते हैं यहाँ पे, वो भी चलता है। बहरहाल, अगले थर्सडे को यानी कि जुमेरात को एक स्पेशल शो हम आपके साथ लाने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहें, और क्या होगा वो तो हम आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे। बहरहाल, आज का शो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो
आज के लिए बस इतना ही। आप अपने फीडबैक दे सकते हैं हमें। फीडबैक देने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे हमारा दिल से दिल तक का फेसबुक पेज और ग्रुप को ज्वाइन करें और पेज को लाइक करें। इसके साथ आपका फेवरेट यूट्यूब आपके साथ है, दिल से दिल तक का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोशिश करें जब भी आपको टाइम मिले हमारे वीडियोस वहां पे देखें, हमारे वहां पे जो हमने शोज अपलोड किए हैं उनको देखें, एंजॉय करें। और ये यूट्यूब की ख़ास बात कि जब भी आप चाहें, यानी कि जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आप कुछ वक्त निकाल पाएँ, उस टाइम पर हमारे वीडियोज़ देखें और वहाँ पर भी आप अपने व्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। बहरहाल इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को जुम्मरात को ठीक 10 बजे आपके साथ एक स्पेशल शो में मैं होऊंगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर हाल अपना कहो। कुछ कहना सुनना नहीं, देखो है दिल की खबर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर।
सफर, ये जिंदगी का सफर। बस फूल ही फूल है बिखरे यहाँ से वहाँ, बस फूल ही फूल है बिखरे यहाँ से वहाँ। देखो है कितना हसीन ये खूबसूरत समां, तुम हो मेरे सामने आता नहीं कुछ नजर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए। हम बन गए हम सफर, ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा। ये जिंदगी का सफर।